वेलकम बैक सास सिस्टर ब्लॉग। आप सबको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज पटना में। सो पटना के आज हम पार्क घूमने आए हैं दो सिस्टर, तो उसके लिए मैं टिकट ले रही हूँ। यहाँ पे टिकट सिस्टम था तो टिकट लिए और हम लोग बस अंदर जा रहे हैं अभी। और अंदर एंट्री करते ही एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही थी तो सारा पानी पानी भरा हुआ था, पर यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह लग रहा था मुझे। सो हम लोग अंदर गए और आप देख सकते हो कितनी अच्छी और सुंदर है। नेचुरल पेड़ सब है यहाँ पे, हरियाली है चारों तरफ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमने आके। और आप देख सकते हैं व्यू मेरे पीछे की, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ रहे थे बाहर के घूमने और हम लोग भी गए थे। नेचुरल पेड़, नेचुरल हरियाली थी यहाँ पे और बहुत शांत था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी टाइम एक प्लेन भी आई जो मैं आपको दिखाती हूँ, कितना बड़ा था, नज़दीक से जा रहा था इसलिए इसको भी कैप्चर कर लिया हमने। तो चलते ही आ गया, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ। सो ये भी एक म्यूजियम है और यहाँ जाने के लिए टिकट लगती है, तो हम लोग यहाँ नहीं गए, तो हम लोग थोड़ा सामने गए थे क्योंकि ऐसे लेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि बाहर घूम लेते हैं, अंदर नहीं गए। बाहर भी बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुंदर जगह था, तो बस बाहर ही घूमने। यहाँ पर और भी जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हो मेरे पीछे की व्यू, ओह माय गॉड, इतनी सुंदर और शांत। और इस पार्क का नाम है बीटा पार्क, जो बहुत ही अच्छी सुंदर और शांत जगह है। और यहाँ पर एक बुद्धा का मूर्ति भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। और बारिश भी होने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, तो हमको बस थोड़ा जल्दी घूमना था, बस गए आगे। Oh.
जगह पटना में पड़ता है, इसीलिए पटना के बुद्ध पार्क है ये। अगर आप सबको भी जाना है तो आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजियम है जो हम नहीं गए। बहुत जोर से भूख लगने लगी तो हम लोग बस एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम था टेस्टी फूड पॉइंट। और मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमको भी लाइन में लगनी पड़ी। हालांकि हमने ऑर्डर दे दिए थे फिर भी लेट आया खाना। बहुत टाइम वेट करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली अब हम अब खाना का वेट करते करते हमारे हाथ में आ गई हमारी जो पार्सल। तो अब बस हम निकलते पार्सल लेके हम लोग अपने रूम में आ गए। और मुझे तो बस इतनी ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि सुबह से हम कुछ नहीं खाए थे। तो बस मैंने कहा सिस्टर को जाओ जाके जल्दी प्लेट स्लेट लाओ हम लोग खाते। तो बस हम खाने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। और खाने में हमने मिक्स फ्राई राइस और चिकन मंगाए थे जो देखने में इतनी टेस्टी लग रही थी। सो मैं अब और ये इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी थी ना, सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी फ्राई राइस। और मैंने चिकन भी टेस्ट की तो वो भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी थी। ऐसा खाना मैंने खाई नहीं थी। तो हम लोग बस खाना खाने लगे। और रात को 10-11 बजे हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो हम लोग बस अभी इस टाइम डिनर कर रहे हैं। और डिनर में क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं, बल्कि हम सोकर उठ के खा रहे हैं। तो दिखाती हूँ, यहाँ पे पनीर थी, रोटी, रसमलाई और सलाद भी थी। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी रही थी तो हम लोग बस खाने लगे। तो आज की वीडियो जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारे वीडियो को। सो वीडियो के यहीं पर एंड करती हूँ।